इंदौर में पुलिस के दो रूप देखने को मिल रहे हैं, जहां एक और पुलिस वांटेड जीतू सोनी पर आवेदन मिलने पर कार्यवाही कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस चोरी की वारदात में आवेदक से सिर्फ आवेदन ले रही है और आवेदक को साल के अंत की दुहाई देकर बिना कार्यवाही के ही थाने से लौटा रही है। घटना इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है कि तुकोगंज थाना क्षेत्र में स्थित साईं मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और दान पेटी में रखे हजारों रुपए चुरा कर ले गए। घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक बड़े ही आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। वहीं मात्र 4 मिनट में चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि साईं मंदिर में यह 8वीं बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं इसके बाद भी पुलिस किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और जब वह थाने पर शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे तो थाने के पुलिसकर्मी उन्हें बिना शिकायत के लौटा दिया और कहा कि साल का अंत चल रहा है, बाद में शिकायत लेकर आना। बोले पकड़ाएगा तो ही बोलेंगे। अच्छा, नहीं पकड़ाया तो नहीं। शाम को 6:15 बजे के बीच में एक बंदा आया, वो यहाँ से दान पेटी उठा के अस्थायी रूप से रखी है। 1 तारीख को बड़ा भंडारा रहता है, हर साल करते हैं हम, तो बाहर एक दान पेटी रख दे, दान पात्र रख देते, उसमें करीबन 7-8 हज़ार रुपये थे। वो ले जाके तोड़ के और ले गया। अच्छा। उसका फुटेज हमने थाने पर दिया है। थाने पे कहा है साल का एंड है, अभी रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे, जब भी वो पकड़ाएगा तो रिपोर्ट हम लिख आवेदन देके चले जाएंगे। कितनी बार इस साईं मंदिर पे चोरी हो गई? करीबन 8 से 9 बार चोरी हो चुकी है। अच्छा, तो ये सीसीटीवी में किस तरह से नजारा आ रहा है सामने, क्या कैद हुआ? पूरा इसमें स्टोरी है, उसको पीछे ले जाते हुए कैद हो रहा, दान पेटी अंदर लेके गया, दान पेटी तोड़ी, पूरा उसका फुटेज पूरा आ रहा है। अच्छा, वहीं जिस तरह से पुलिस का रूप सामने आया उसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं, वहीं देखना होगा कि अब आने वाले समय में किस तरह की कार्यवाही की जाएगी। तो बुलाना नहीं, ये नहीं, वो उसका कांच का रखा था, कांच का कहाँ है, फेंक दिया। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।